जैसे 101, 102, 103, 104, 105, 106 इनकी जो प्रोविजंस हैं ऑन होम बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज, बर्डन ऑफ प्रूफ एज टू पर्टिकुलर फैक्ट, आपको ये वाला जो 5-6 सेक्शन हैं ये अच्छे से पता होना चाहिए किस सेक्शन की क्या हेडिंग है। अब 107 में 30 ईयर्स का पॉइंट, 108 में 7 ईयर्स का पॉइंट, आपको ये चीज़ें पता होना चाहिए। 111 कैपिटल ए, इसके बारे में पता होना चाहिए। 112 बर्थ ड्यूरिंग मैरिज, ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज क्वेश्चन पुट किया जाता है इवन ये पर्टिकुलर सेक्शन जो स्टूडेंट्स अभी हिमाचल, राजस्थान और दिल्ली के लिए अपेयर हो रहे हैं। 112 इज अ सेक्शन विच इज फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन एग्जाम्स, तो आप इसको अच्छे से याद कीजिए। दैट कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ लेजिटिमेसी इज कवर अंडर सेक्शन व्हाट, ये चीज ध्यान में रखना। 113 कैपिटल ए, अब 13 कैपिटल बी, इनमें क्या याद रखना है कि पहली बात कौन से सेक्शन में सुसाइड के रिगार्डिंग कवर्ड है, दूसरी बात जैसे डाउरी डेथ है तो आपको मैं पहले बता रहा हूँ कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हल्की सी प्रॉब्लम ये होगी जब एग्जामिनेशन हॉल में हम बैठते हैं वहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट होगी कि वो 13 कैपिटल ए था या कैपिटल बी था, तो इन सेक्शंस को आप पहले ही मार्क कीजिए। और जो 113 कैपिटल ए है वहाँ पे वर्ड यूज़ है मे प्रज्यूम, और 13 कैपिटल बी है जो वहाँ पे यूज़ है शैल प्रज्यूम, इसको आप लर्न कीजिए अच्छे से। 114 कैपिटल ए बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, उसकी हेडिंग। अब नेक्स्ट 115 रिगार्डिंग एस्टॉपल, आपको पता होना चाहिए कि ये कौन से सेक्शन में कवर्ड है। इसके बाद जो पॉइंट है 118 से लेके 134 तक, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इनमें से डायरेक्टली कुछ क्वेश्चन पुट किए जाते हैं, दैट डम विटनेसेस इज कवर अंडर सेक्शन व्हाट, राइट। कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज इज कवर्ड एज अ प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन, इट इज कवर अंडर सेक्शन व्हाट, 122। तो इन सेक्शंस को आपको अच्छे से याद करना होगा 118 से लेके 134 तक। उसके बाद चैप्टर 10 के अंडर मैंने इवन कुछ स्टूडेंट्स से मेरे से पूछा कि सर एविडेंस सेट में कौन से पार्ट्स हमको याद करने हैं, मैंने तब बताया कि 135 से लेके 167 इसमें से कोई भी पर्टिकुलर सेक्शन पिक करके दे जस्ट गिव यू अ हेडिंग दैट एग्जामिनेशन इन चीफ इज कवर अंडर सेक्शन व्हाट, राइट। या फिर जैसे 141 है, 141 सेक्शन लीडिंग क्वेश्चंस आर कवर्ड अंडर सेक्शन व्हाट, राइट। तो होप आप ये चीज समझ पा रहे हैं कि जो एविडेंस एक्ट है, आपको देखिए इवन कई स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन पुट किया कि सर जो हमारे एक्ट्स हैं इनको याद करने का तरीका क्या है। देखिए याद करने का तरीका ये है कि आप जो बेयर एक्ट है उसका इंडेक्स एक बार, दो बार, चार बार, छः बार, दस बार, बीस बार, तीस बार रीड कीजिए बार बार बार, ऑटोमेटिकली आपको अंडरस्टैंडिंग बनेगी कहाँ पे क्या मेंशन है, और वो विद पैसेज ऑफ टाइम याद होते चले जाएंगे। अब जो 151 है, मैं पहले रिपीट कर रहा हूँ कि जो आपका ये चंक है, जो एरिया है 135 से लेके 167 तक, सारा इंपॉर्टेंट है, फिर भी उसमें से कुछ सिलेक्टेड जो सेक्शन मैं आपको बताता हूँ, 135, 36, 37, 38, 140, 41, 42, राइट, इनके रिगार्डिंग डायरेक्ट हेडिंग्स पुट की जाती हैं। अब जो 145 बहुत इंपॉर्टेंट है क्रॉस एग्जामिनेशन, देन 151, 152 एज इट इज क्वेश्चन पुट किया जाता है, इंडेसेंट एंड स्कैंडलस क्वेश्चंस, दिस कॉन्टेक्स्ट इज कवर्ड अंडर सेक्शन व्हाट। 155 एग्जामिनर का फेवरेट सेक्शन, इम्पीचिंग द क्रेडिट ऑफ विटनेस इज कवर्ड अंडर सेक्शन व्हाट।